नगरीय निकाय चुनावों के लिए शनिवार को नामांकन भरने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा चुनाव के नामांकन पत्र भरने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। चुनाव प्रक्रिया के चलते संपत्ति कर की एनओसी लेने वालों का नगर निगम में तांता लगा हुआ है। पार्षद पद के उम्मीदवार अपना बकाया टैक्स जमा कर एनओसी लेने कतार में खड़े हुए हैं। चुनाव के चक्कर में वर्षों पुराना टैक्स भी जमा कर रहे हैं। कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशी के रूप में जगत बहादुर सिंह अन्नू के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक महापौर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि जिन नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं उनमें आशीष दुबे और अभिलाष पांडे का नाम प्रमुख है। हनुमानताल तालाब के आसपास अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों पर आरटीओ विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। आरटीओ और पुलिस की टीम ने तालाब के इर्द गिर्द खड़े वाहनों को हटाया और वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की। आईटीआई में अध्ययनरत दृष्टि बाधित छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि दृष्टि बाधितों को प्रशिक्षण देने वाले एक प्रशिक्षक को बिना वजह हटा दिया गया है और लैब अटेंडेंट से प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, जो आपत्तिजनक बात है। जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत झिंगरई के निवासियों ने सामूहिक रूप से मतदान के बहिष्कार की घोषणा की है। ग्रामवासियों का कहना है कि उनके गांव में बरसों से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, ऐसे में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का निर्णय लेकर मतदान के बहिष्कार की घोषणा कर दी। जबलपुर में अब बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल मोबाइल पर SMS के माध्यम से मिलेंगे। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाने होंगे। ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के कारनामे ने लोगों को अचंभित कर दिया। सिविक सेंटर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अमले ने गहरे नाले को मलबे से पूर दिया। नगर निगम के अधिकारियों को नाले में मलबा डालता देख लोग हैरत में पड़ गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जब नाले में मलबा डाले जाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने नाले की इस गहराई को लेकर बात कही। एक तरफ नालों को गहरा करने की बात कही जा रही तो वहीं दूसरी तरफ नालों को मलबे से पूरा जा रहा है। यही है अजब जबलपुर गजब जबलपुर। रेलवे स्टेशन के समीप स्थित होटल ऋषि रेजेंसी के रेस्टोरेंट और बार में सुबह 4 बजे के करीब आग भड़क गई। ऋषि रेजेंसी में धुएं के गुबार से जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब दमकल विभाग को सूचना दी गई और आनन फानन में मौके पर पहुंचे 3 दमकल वाहनों के जरिए आग पर काबू पाया गया। समूह लोन देने वाली एक कंपनी के ब्रांच मैनेजर के साथ मारपीट और कंपनी की हितग्राही महिलाओं के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया। इस घटना को लेकर बीती रात तलवारा थाने में जमकर हंगामा हुआ। बेलखेड़ा में जमीन विवाद को लेकर गोली चली जिसमें एक युवक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। युवक के पैर में गोली लगी है। नमस्कार, BTV न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पार्षद पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग लाइन लगाकर ले रहे हैं संपत्ति कर की NOC। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में टैक्स जमा करने वालों की भीड़ बढ़ी। ITI के एक प्रशिक्षक को हटाए जाने से खफा दृष्टिबाधित छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। ITI गेट पर मचा रहा देर तक हंगामा। रेलवे पुल नंबरों के पास स्थित ऋषि रेजेंसी होटल के रेस्टोरेंट और बार में सुबह 4 बजे भड़की आग। आग लगने के बाद धुएं के गुबार से होटल में ठहरे लोगों और दमकल कर्मियों को हुई परेशानी। दमकल दल ने 3 दमकल वाहनों की मदद से आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और हनुमानताल तालाब के इर्द गिर्द अवैध तौर पर पार्क किए गए वाहनों पर RTO और पुलिस विभाग ने की कार्रवाई। हनुमानताल तालाब के सौंदर्यीकरण में बाधक बन रहे वाहनों को हटाया गया। नगरीय निकाय चुनावों के लिए शनिवार को नामांकन भरने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा चुनाव के नामांकन पत्र भरने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि नगरीय निकाय चुनावों के लिए 79 वार्डों के नामांकन पत्र दाखिल करने अलग अलग कक्षों की व्यवस्था की गई है। नगरीय निकायों के चुनाव के लिए शनिवार से जिला निर्वाचन कार्यालय में नाम निर्देशन पत्रों यानी नामांकन भरे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जिले में होने वाले नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की तैयारी जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय चुनावों के नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में वार्ड वार अलग अलग कक्षों की व्यवस्था की गई है।
जहां अभ्यर्थियों के नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नगरीय निकाय की चुनाव के नामांकन है कल 11 तारीख से शुरू हो रही है 11 जून से। हमारी कितने भी नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम, टोटल 9 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उन सभी के लिए नामांकन प्रक्रिया है कल से चालू होगी। नगर निगम के अंतर्गत है टोटल 79 वार्ड्स हैं, उन सभी वार्डों को हम लोगों ने कमरे में वार्ड वाइज बांटे हुए हैं कलेक्ट्रेट में, अलग अलग है ARO मतलब बैठेंगे, वो नॉमिनेशन का फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, नॉमिनेशन लिया भी जाएगा। इसके अलावा हर नगर पंचायत नगर पालिका में 2 चरणों में चुनाव होना है, प्रथम चरण में और दूसरी चरण में, दोनों चरणों का नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी कक्षों में नामांकन पत्र जमा करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव प्रक्रिया के चलते संपत्ति कर की NOC लेने वालों का नगर निगम में तांता लगा हुआ है। पार्षद पद के उम्मीदवार अपना बकाया टैक्स जमा कर NOC लेने कतार में खड़े हुए हैं। चुनाव के चक्कर में वर्षों पुराना टैक्स भी जमा कर रहे हैं। संपत्ति कर की NOC लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। नगर निगम चुनाव में जो लोग पार्षद पद का चुनाव लड़कर किस्मत आजमाना चाहते हैं, वे नामांकन की शर्त पूरी करने के लिए अपना पुराना टैक्स भी लाइन लगाकर जमा कर रहे हैं। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में ऐसे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है जो NOC के लिए अपना पुराना टैक्स जमा कर रहे हैं। चुनाव की दृष्टि से लोग NOC मांगते हैं, वो ज़्यादातर लोग संभागों से NOC ले रहे हैं, परंतु मुख्यालय में भी अभी तक मेरे पास 5 लोग आ चुके हैं जिनको मेरे द्वारा NOC जारी की गई है। उनमें सभी लोगों से संपत्ति कर, जल शुल्क और डोर टू डोर की राशि जमा करवा करके उनको NOC दिया जा रहा है। 11 तारीख से पार्षद चुनाव हेतु नामांकन शुरू हो रहा है, जिसमें नगर निगम और MPP से NOC जरूरी है। प्रॉपर्टी टैक्स, जल कर और ग्रेव टैक्स जो है, ये पूरा अभी तक का वर्तमान तक का पेड करके उसके NOC फॉर्म में संलग्न करना है, वही लेने के लिए मैं यहाँ संभागीय कार्यालय में आऊँ। बहरहाल इसी बहाने नगर निगम की टैक्स वसूली का आंकड़ा बढ़ गया है। जो लोग टैक्स जमा नहीं कर रहे थे, वे भी इस डर से टैक्स जमा कर रहे हैं कि NOC के अभाव में कहीं उनका नामांकन कैंसिल ना हो जाए। कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशी के रूप में जगत बहादुर अन्नू सिंह के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक महापौर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि जिन नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें आशीष दुबे और अभिलाष पांडे का नाम प्रमुख है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश की 15 नगर निगमों के लिए महापौर प्रत्याशी की लिस्ट जारी कर दी है। जबलपुर से नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू को कांग्रेस ने महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक महापौर पद के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। जबलपुर में भाजपा के उम्मीदवार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें आशीष दुबे, अभिलाष पांडे और GS ठाकुर का नाम प्रमुख रूप से देखा जा रहा है। देखना बाकी है कि पार्टी किस नाम पर अपने भरोसे की मोहर लगाती है। हालांकि राजनीतिक गलियारों से जो खबर छन छन कर बाहर आ रही है, उस पर भरोसा करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाने वाले आशीष दुबे का नाम लगभग तय है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। हनुमानताल तालाब के आसपास अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों पर RTO विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। RTO और पुलिस की टीम ने तालाब के इर्द गिर्द खड़े वाहनों को हटाया और वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। हनुमानताल तालाब के सौंदर्यीकरण और विकास में बाधा बन रही अवैध वाहन पार्किंग के विरुद्ध भी पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल और हनुमानताल थाने की टीम ने हनुमानताल तालाब के इर्द गिर्द अवैध रूप से पार्क किए गए 4-पहिया 3-पहिया वाहनों पर कार्रवाई की। इस दौरान तालाब परिसर के आसपास खड़े वाहनों को हटाया गया और वाहनों को हनुमानताल थाने में सुरक्षार्थ रखा गया। RTO संतोष पाल ने बताया कि अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के मालिकों और चालकों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बार बार निर्देशित किया गया कि तालाब के चारों ओर वाहनों की पार्किंग ना की जाए। बीच में कार्रवाई इस पर की गई थी, लेकिन कलेक्टर महोदय के पुनः संज्ञान में आया है कि यहाँ अवैध पार्किंग की जा रही तालाब परिसर के बिल्कुल बगल में। उनके द्वारा मुझे निर्देशित किया गया, उनके निर्देशों के परिपालन में ये कार्रवाई की जा रही है, जिनमें इन गाड़ियों को जो तालाब के किनारे खड़ी हुई हैं उनको उठा करके
सुरक्षात हनुमान ताल थाना परिसर में खड़ा किया गया है। विधि अनुसार कार्रवाई करने के उपरांत इन्हें मुक्त किया जाए। लगभग अभी कितनी गाड़ियां? अभी 5 गाड़ियों को जब्त किया गया था। आरटीओ और पुलिस विभाग द्वारा अवैध वाहन पार्किंग के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। आईटीआई में अध्ययनरत दृष्टि बाधित छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि दृष्टि बाधितों को प्रशिक्षण देने वाले एक प्रशिक्षक को बिना वजह हटा दिया गया है और लैब अटेंडेंट से प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है, जो आपत्तिजनक बात है। आईटीआई में दृष्टि बाधित छात्रों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक हिदायतुल्ला अंसारी को अचानक हटा दिए जाने से आक्रोश फैल गया। दृष्टिबाधित छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। दृष्टिबाधित छात्रों ने आरोप लगाए कि लैपटॉप समय पर नहीं मिलता और लंबे समय से छात्रवृत्ति भी रुकी हुई है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जवानी जिंदा है, खबरदार हो जाओ दस को, अभी जवानी जिंदा है। मेल स्पेंट हाय हाय, मेल स्पेंट हाय हाय। हम सभी लोगों की ये समस्या है कि हमारे यहाँ आईटीआई में 5 साल से हमारे एक प्रशिक्षक पढ़ा रहे थे, जो हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। वो कभी अनावश्यक कभी छुट्टी नहीं किया करते, सारे बच्चे उनसे बहुत पढ़ने के लिए सभी लोग पढ़ने के लिए उनसे इच्छुक है और इच्छुक रहते भी हैं। उनको अचानक से निकाल दिया गया, जिसके कारण हम सभी लोगों को पढ़ाई में बाध्य होना पड़ा और हम लोग इसीलिए यहाँ पर आंदोलन करने के लिए एकत्र हुए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि लैपटॉप जो मिलता है हम लोगों को, वो बहुत 2-3 महीने के बाद लास्ट आईटीआई करने के बाद मिलता है, जो हम लोग चाहते हैं कि उसको प्रारंभ में ही दिया जाए। जो अचानक रूप से हमारे जो टीचर थे हिदायत हुसैन अंसारी जी, उनको 31/5/2022 को अचानक बिना नोटिस दिए और उनको हटा दिया गया। और जो आज आईटीआई के द्वारा कहा जा रहा कि आप वो लैब असिस्टेंट के द्वारा पढ़ें, क्योंकि हमारे लिए विशेष प्रशिक्षक होते हैं जो हम लोगों को पढ़ाते हैं। इस वजह से हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य हुए हैं और हम लोग की जो 10 माह की स्थायी फंड जो मिलता है, 10 माह हो गए, अभी आंदोलन करने पर हमें 6 माह का कुछ लोगों के खाते में आ गया, अभी कुछ लोग में बाकी हैं। वहीं इस मामले में आईटीआई प्रशासन का कहना है कि हटाए गए प्रशिक्षक को पुनः काम पर रख लिया गया है, लेकिन विद्यार्थी भ्रमित होकर आंदोलन कर रहे हैं। जो कहते हैं जो जिस टीचर को हटाया था, कलेक्टर के निर्देशानुसार उनको दोबारा रख लिया गया, उनको ऑलरेडी ऑर्डर इशू हो चुका है। जिसको हटाया गया था उसने दोबारा लेटर प्राप्त कर लिया, लेकिन उसने अपने उसमें लिख के दिया कि हमको 25,000 रुपये महीने दिया जाए। और छात्रवृत्ति जो है 6 महीने की हम लोगों को प्राप्त हुई थी, वो बच्चों को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। और जो बाकी है उनके पास बजट आएगा, दीक्षित साहब से बात हुई थी तो कि जब हमारे पास बजट आएगा तो हम आपको अलाटमेंट कर देंगे, अभी वो आया नहीं है। दृष्टि बाधितों के विरोध प्रदर्शन के चलते आईटीआई में देर तक हंगामा मचा रहा। जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत झिंगरई के निवासियों ने सामूहिक रूप से मतदान के बहिष्कार की घोषणा की है। ग्रामवासियों का कहना है कि उनके गांव में वर्षों से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, ऐसे में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लेकर मतदान के बहिष्कार की घोषणा की है। जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत झिंगरई के निवासियों ने मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामवासियों की माने तो उनका गांव सड़क विहीन है, ऐसे में ग्रामवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शासन प्रशासन से लेकर जन प्रतिनिधियों तक उन्होंने सड़क निर्माण की गुहार लगाई, लेकिन उनकी इस मांग को हर स्तर पर अनदेखा कर दिया गया। लिहाजा अब ग्रामवासियों ने ठाना है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं की तर्ज पर ग्रामीण मतदान का बहिष्कार करेंगे। ये ग्राम पंचायत झंगरे जनपद पंचायत मझौली की समस्या है। हाँ। जो कई विधायक प्रतिनिधियों को, सभी को ये हम लोगों ने एसडीएम कलेक्टर साहब सभी को ये सूचित किया, कई बार निवेदन किया, लेकिन रोड का अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। पिछली बार भी हम लोगों ने दिया था, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। हम लोग वही जी रहे हैं, वही कचड़े में ही जी रहे हैं, जबकि हम लोगों से हर प्रकार की सुविधाएं सभी लोगों को संपन्न हो पा रही हैं, लेकिन हम लोगों को कोई संपन्न सुविधा नहीं मिल पा रही। तो क्या निर्णय लिया है? इसीलिए हम सभी ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिया है कि इस बार ना तो हम किसी को वोट देंगे, जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामवासी इस मामले को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने एक मांग पत्र भी जिला प्रशासन को सौंपा।
जबलपुर में अब बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल मोबाइल पर SMS के माध्यम से मिलेंगे। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराने होंगे। ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने शहर के सभी उपभोक्ताओं को पेपरलेस बिजली बिल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए मैसेज के साथ लिंक भी भेजा जाएगा, जिस लिंक के माध्यम से उपभोक्ता बिल देख सकेंगे। जबलपुर के बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली के बिल मोबाइल पर SMS के जरिए मिलेंगे। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराने होंगे। इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उपभोक्ताओं को SMS और लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक के माध्यम से बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिल देख सकेंगे। जबलपुर सिटी सर्किल के SC सुनील त्रिवेदी ने बताया कि ये व्यवस्था इसी माह से लागू की जा रही है। 2017 से लेकर के 5 साल के लिए फैटको कंपनी को रीडिंग का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है स्पॉट बिलिंग का। अब जो है हम स्वयं अपने कर्मचारियों के माध्यम से रीडिंग कराएंगे और उस रीडिंग में बिल नहीं दिया जाएगा, पेपरलेस बिलिंग की व्यवस्था जारी की गई है। पूर्व में भी ये छिंदवाड़ा मैहर वगैरह में चल रही थी, अब जबलपुर में भी इसकी शुरुआत की गई है। इसमें SMS के माध्यम से बिल आएगा और उसमें एक लिंक भी उपलब्ध रहेगी। उस लिंक के माध्यम से उपभोक्ता जो है बिल को पूरा देख पाएगा। कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रदेश के अलग अलग जिलों में उपभोक्ताओं को पेपरलेस बिजली बिल प्रदान करने की सुविधा दी जा रही है। अब जल्द ही ये सुविधा शहर के बिजली उपभोक्ताओं को भी मिल सकेगी। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के कारनामे ने लोगों को अचंभित कर दिया। सिविक सेंटर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अमले ने गहरे नाले को मलबे से पूर दिया। नगर निगम के अधिकारियों को नाले में मलबा डालते देख लोग हैरत में पड़ गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जब नाले में मलबा डाले जाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने नाले की गहराई को लेकर बात कही। एक तरफ नालों को गहरा करने की बात कही जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ नाले को मलबे से पूरा जा रहा है। यही है अजब जबलपुर, गजब जबलपुर। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के कारनामे ने सिविक सेंटर क्षेत्र में लोगों को अचंभित कर दिया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के अमले ने सिविक सेंटर स्थित गहरे नाले को मलबा डालकर पूर दिया। नगर निगम के अधिकारियों से जब इसका कारण पूछा गया तो सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल जैन ने तर्क दिया कि नाले की गहराई ज्यादा है, ऐसे में नाले को मलबे से पूर कर उसमें पाइप डालने का काम किया जाएगा ताकि बारिश में जल प्लावन और किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। एक्चुअल में क्या है, ये JCB मशीन से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है और लगता है कि कोई ऐसा इंसिडेंस वगैरह ना हो तो नाला 4 से 5 फुट गहरा है और यहाँ पे 10 फुट करीब JCB धीरे धीरे सफाई करते करते गड्ढा हो गया है, कीचड़ भर गया है। कोई अनहोनी ना हो इसलिए उसको लेवल तक ये हार्ड वाला जो पत्थर हैं वो हम इसको डाल रहे हैं और उस लेवल पे जिस लेवल पे आगे के फर्श हैं उस लेवल तक हम इसको एक सा कर रहे हैं और आगे से सफाई होती चली आ रही, उस लेवल पे पूरी सफाई हो जाएगी। अनहोनी ना हो कोई, चूँकि गड्ढा हो गया है कीचड़ JCB से निकालते तो इसको ये कर रहे हैं। बाकी ये जो जिस लेवल पे ये नाले का फर्श है, यहाँ का फर्श टूट गया है और जिस जितने लेवल पे ये पक्का फर्श है उस लेवल तक इसकी सफाई कर। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा खुले नाले को लेवल करने के नाम पर मलबे से पूरे जाने को लेकर क्षेत्र के लोग हैरत में पड़ गए। लोगों में इस बात की चर्चा थी कि गहरे नाले को मलबे से पूर दिए जाने से बारिश में जल प्लावन की समस्या कैसे दूर हो सकेगी। रेलवे स्टेशन के समीप स्थित होटल ऋषि रेजेंसी के रेस्टोरेंट और बार में सुबह 4 बजे के करीब आग भड़क गई। ऋषि रेजेंसी में धुएं के गुबार से जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब दमकल विभाग को सूचना दी गई और आनन फानन में मौके पर पहुंचे 3 दमकल वाहनों के जरिए आग पर काबू पाया गया। गौरतलब है कि होटलों, रेस्टोरेंट और ऐसे स्थलों पर फायर उपकरण अनिवार्य हैं, लेकिन अधिकांश होटलों, रेस्टोरेंट और लॉज में ऐसी व्यवस्थाएं या तो नदारद हैं या फिर महज शोपीस की तरह हैं। बहरहाल मुद्दा है होटल ऋषि रेजेंसी का, जहां आग भड़कने से अफरा तफरी मच गई और होटल के कमरों से लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे पुल नंबर 2 के पास होटल ऋषि रेजेंसी में शुक्रवार की सुबह 4 बजे आग लग गई।
आग होटल के रेस्टोरेंट और बार में लगी, जिससे अफरा तफरी और दहशत का माहौल निर्मित हो गया। होटल प्रबंधन ने तत्काल होटल के कमरों में ठहरे लोगों को बाहर निकाला और घटना की जानकारी दमकल विभाग, पुलिस और बिजली विभाग को दी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस और विद्युत विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया। दमकल कर्मियों ने 3 दमकल वाहनों की मदद से आग को काबू में किया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ऋषि रेजेंसी होटल में नीचे उनका जो रेस्टोरेंट है, बार है, उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल को, तो समस्त स्टाफ यहाँ आया था। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पे काबू पा के बुझा दिया गया है। जो यात्री ठहरे थे उनको दूसरी होटल में शिफ्ट किया गया। दमकल विभाग के कर्मचारियों के मुताबिक आग लगने से बार रेस्टोरेंट में धुआं भर गया था, जिससे दमकल कर्मियों को भी आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बेसमेंट में धुआं भर जाने से दमकल कर्मियों को घुटन होने लगी, जिसके बाद बेसमेंट से धुएं को बाहर करने की व्यवस्था भी की गई। हमने तत्काल एक गाड़ी रवाना किया, पीछे पीछे दोबारा दूसरी गाड़ी रवाना किया। आया देखा तो अंदर इतना धुआं भरा हुआ था कि अंदर जाने में दम घुट रहा था। फिर एग्जॉस्ट द्वारा धुआं को बाहर फेंका गया, उसके बाद लाइन लेके अंदर गए, आग को पूरी तरह बुझाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। नुकसान तो इन्हें 25-30 लाख बता रहे हैं। होटल के बेसमेंट में अग्नि हादसे से बचाव के कोई पुख्ता इंतजाम ना होने और बेसमेंट से धुएं को बाहर निकालने की पुख्ता व्यवस्था होटल में ना होने की बात भी सामने आई है। ऐसे में इस अग्नि हादसे के बाद शहर के आलीशान होटलों में आग से बचाव के साधन और संसाधनों की जांच किए जाने के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। समूह लोन देने वाली एक कंपनी के ब्रांच मैनेजर के साथ मारपीट और कंपनी की हितग्राही महिलाओं के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर बीती रात तिलवारा थाने में जमकर हंगामा हुआ। पीड़ितों की शिकायत पर तिलवारा पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। तिलवारा थाना क्षेत्र चूल्हा गुलाई में बीती रात कुछ लोगों ने समूह लोन लेने वाली कंपनी भारत फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर सपना रजक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। इस दौरान हितग्राही महिला के साथ भी मारपीट की गई। इस घटना को लेकर देर रात तक थाने में हंगामा मचा रहा। कंपनी की ब्रांच मैनेजर और हितग्राही महिलाएं घटना के बाद थाने पहुंचे, जहां मारपीट और अभद्रता करने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई। हम सारे मेंबर्स मीटिंग लगाए हुए थे, सर भी बैठे थे। उस टाइम पे एक मेंबर, हमारे ग्रुप की एक मेंबर थी, वो चली गई, भग गई। तो सर ने बोला कि सारे मेंबर पैसे देंगे, और हम लोग देते भी हैं। जो मेंबर भग जाता है तो सर देते भी हैं पैसे। तो हम लोग ने उनसे बोला कि उसमें से एक मेंबर जो थी, रागनी नाम है जिसका, तो वो बोली कि हम पैसे नहीं देंगे। तो उसका पति ही आता है किस्त में, वो नहीं आती है। तो उसका पति बोलता है कि सर हम अपनी लेडीज को नहीं भेज रहे हैं। तो फिर वो आए और बस बोलते हैं अब भी हमारा 2 मिनट रुकी है बस, 10-15 मिनट में आ गए और बहुत मारपीट की उन्होंने, और लेडीज़ों से भी अभद्रता की। इस सपना रजक के नाम का व्यक्ति है, जो बरगी थाना क्षेत्र सिहुरा के रहने वाला है। ये भारत फाइनेंस इंडेक्स ब्रांच नाम से एक संस्था चलाते हैं, जो ग्राम में महिलाओं का समूह बना के उनको लोग पैसा देते हैं। और इसी बात को लेके आज ये जो व्यक्ति है सपना रजक, ये चूल्हा गुलाई में सीमा दुबे के यहाँ पे महिलाओं की जो समिति बनाई गई उसकी बैठक ले रहा था रात के करीब 8 बजे। तो उसी दौरान में क्या नाम से वहीं के समिति की जो महिलाएँ थी, किसी ने पैसा नहीं दी, तो उसका पति विवाद किया और उसके साथ ही सूरज और घनश्याम और सचिन ने, ये तीनों ने मिलकर सपना रजक को गाली गलौज कर आत्महत्या से मारपीट किए हैं। थाने में मामला पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। इस घटना को लेकर थाने में देर रात तक अफरा तफरी मची रही। बेलखेड़ा में जमीन विवाद को लेकर गोली चली, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवक के पैर में गोली लगी है। बेलखेड़ा में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें बलराम नामक एक युवक को पैर में गोली लग गई। घायल युवक को उपचार के लिए जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवक का कहना है कि गोली मारने वालों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मेरा खेत जमीन है करैया खेत में, जिसमें दबंग यशवंत सिंह कब्जा किया हुआ था। वो उधर में गया मेरी खेत देखने के लिए,
उसने मेरे को रोक के गाली दी और कट्टा निकाल के फायर किया, गोली मार दी मेरे को, जिसमें मेरे को एक गोली लग गई है, एक गोली नहीं लगी थी। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच चल रही है। प्रथम दृष्टिया जो भी बयान लिए गए थे उसके आधार पर इसमें 307 का मुकदमा कायम किया गया, क्योंकि इसमें पीछे से पैर के लोअर पोर्शन में एक गनशॉट इंजरी है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है उसने भी अपने बचाव में कुछ बयान और कुछ तथ्य पेश किए, उसकी जांच की जाएगी और यही जांच चल रही है। और जैसा जांच में आएगा, अगर ये दोषी निकले तो उनकी गिरफ्तारी होगी और नहीं निकले तो फिर उनके कुछ कार्रवाई नहीं होगी। अभी जांच में है मामला और मुझे आशा है इसकी जल्दी इस जांच का हम खुलासा करेंगे। ये IPS प्रोविजनर शशांक इसकी जांच कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस द्वारा अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।